सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रत राय का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में मंगलवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 75 साल के थे। सुब्रत राय की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। वह जितनी जल्दी फर्श से अर्श तक पहुंचे थे, उतनी ही तेजी से अर्श से फर्श पर आ गए। कभी सहारा ग्रुप की 4000 से ज्यादा कंपनी खड़ी हो गई थी। इनमें से 4 शेयर बाजार में सूचीबद्ध थी। सहारा ग्रुप सालों तक इंडियन क्रिकेट टीम और इंडियन हॉकी टीम का स्पॉन्सर रहा। यही नहीं, उसने लखनऊ में सहारा शहर भी बसाया। सभी तरह की लग्जरी से लैस इसमें हेलीपैड, क्रिकेट स्टेडियम, गोल्फ कोर्ट, थिएटर से लेकर कई पेट्रोल पंप भी थे। सुब्रत राय ने मुंबई में टाउनशिप भी बनाई। देखते ही देखते सुब्रत राय ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि जिसके कई पीढ़ियों तक ढहने का सपना भी नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा उनके सामने ही हो गया। बात 1996 की है। सहारा के नाव ने पहली बार हिचकोले तब लिए जब प्रसन्नजीत सिंह नाम के इनकम टैक्स अफसर की नज़र उनके कारोबार पर पड़ गई। उस समय तक सुब्रत राय हवा में उड़ रहे थे। उनके काफी ज्यादा पॉलिटिकल कनेक्शन थे। इस अफसर ने जब सुब्रत राय से बेशुमार दौलत को लेकर जवाब मांगा तो उन्होंने कुछ नेताओं के नाम आगे रख दिए। मामले में नेताओं को भी अपनी पोल खुलने का डर था, लिहाजा इंक्वायरी करने वाले इनकम टैक्स अफसर का ही सुब्रत राय ने ट्रांसफर करवा दिया। तब उन्हें लगा कि शायद बला टल गई है, लेकिन उनके राहत के दिन लंबे नहीं रहे। 2008 में दोबारा सहारा के बुरे दिन शुरू हो गए। फिर इस सिलसिले ने थमने का नाम नहीं लिया। सेबी ने उन पर किसी भी कंपनी के नाम पर निवेश लेने पर रोक लगा दी। यहीं से सहारा के खराब दिन शुरू हो गए। वह जेल तक गए निवेशकों के पैसा लौटाने का तलवार ग्रुप पर आज तक लटकी है। सबसे पहले इनके सक्सेस के बारे में बात करेंगे, किस तरह से इन्होंने बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर दिया था। बिहार के अररिया जिले के रहने वाले सुब्रत राय को पढ़ने में कुछ खास मन नहीं लगता था। शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में हुई और फिर वो गोरखपुर पहुंच गए। साल 1978 में सुब्रत राय ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कूटी पर बिस्कुट और नमकीन बेचने का काम शुरू किया। एक कमरे में 2 कुर्सी और एक स्कूटर के साथ उन्होंने 2,00,000 करोड़ रुपए का सफर तय किया। सपने बेचने में उन्होंने महारत हासिल कर ली। दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने चिटफंड कंपनी शुरू की। उन्होंने पैरा बैंकिंग की शुरुआत की, गरीब और माध्यम को टारगेट किया। मात्र 100 रुपए कमाने वाले लोग भी उनके पास 20 रुपया जमा करते थे। देश की गलियों गलियों तक इनकी ये स्कीम मशहूर हो गई। लाखों के संख्या में लोग सहारा के साथ जुड़ते चले गए। हालांकि साल 1980 में सरकार ने इस स्कीम पर रोक लगा दी। ये वो दौर था जब सुब्रत राय सहारा हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर में कदम रखा। उसके बाद वो एक के बाद एक सेक्टर में अपने पंख फैलाते चले गए। रियल स्टेट, फाइनेंस, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, हॉस्पिटलिटी, रिटेल, फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक सहारा फैल चुका था। देश ही नहीं, दुनिया भर में सहारा का डंका बज रहा था। 11 सालों तक सहारा ग्रुप टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। जैसे जैसे सहारा का कारोबार बढ़ता चला गया, सुब्रत राय की संपत्ति दोगुनी चौगुनी होती चली गई। सहारा अपनी लाइफ स्टाइल लग्जरी के लिए मशहूर होते चले गए। अमरीका के न्यूयॉर्क के शहर में 4,400 करोड़ के 2 आलीशान होटल है। मुंबई के एबी वैली में 313 करोड़ का डेवलपमेंट साइट, मुंबई के बरसोवा में 113 करोड़ का जमीन है। लखनऊ के गोमती नगर में सुब्रत ने 140 एकड़ जमीन पर अपना पूरा शहर बसा डाला। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके पास 764 करोड़ की जमीन है। माना जाता है कि उन्होंने अपने बेटी की शादी की तो उसमें 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया। कई जानी मानी हस्तियां इस शादी में पहुंची थी। अब बात करेंगे किस तरह से सुब्रत राय की सहारा कंपनी डूब गई। टाइम मैगजीन ने सहारा को रेलवे के बाद दूसरी सबसे बड़ा नौकरी देने वाले बताया था। 11 लाख से अधिक कर्मचारी सहारा परिवार का हिस्सा थे, लेकिन फिर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि किसी को अंदाजा नहीं था। खुद को सहारा श्री कहने वाले सुब्रत राय के दिन ऐसे फिरेंगे कि उन्हें जेल की हवा खाने पड़ेगी। वो साल 2009 था जब सहारा कंपनी ने आईपीओ लाने का योजना बनाई थी। सहारा ने जब सेबी से आईपीओ के लिए आवेदन किया तो सेबी ने उससे DRSP यानी कंपनी का पूरा बायोडाटा मांग लिया। सहारा के बुरे दिन यहीं से स्टार्ट हो चुकी थी। साल 2009 में सहारा ने अपनी 2 कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेट लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट लिमिटेड का आईपीओ लाने का प्रस्ताव सेबी के सामने रखा।
सेबी ने सहारा के दस्तावेज में गड़बड़ी पाई। सहारा पर आरोप लगे कि उसने अपने निवेशकों का पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया। सेबी ने आरोप लगाया कि सहारा ने अपने दोनों कंपनियों के 3 करोड़ निवेशकों ने 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जबकि इनकी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं थी। नियमों के उल्लंघन मामले में सहारा पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। सेबी ने जब सहारा से निवेशकों के डिटेल और दस्तावेज मांगे तो सहारा की ओर से 127 ट्रक डॉक्यूमेंट भेजे गए। इन ट्रकों के कारण मुंबई के बाहरी इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया।